हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीवीआर के ऑफ़र के बारे में कि पीवीआर का एक बहुत ही स्पेशल ऑफ़र चल रहा है जहां पर आप एक पासपोर्ट मेंबरशिप लेके एक महीने के लिए 10 मूवी को एंजॉय कर सकते हो। जी हां, एक महीने के लिए। तो बात करेंगे इस वीडियो में किस तरीके से आप इस पासपोर्ट को साइन अप करके क्लेम कर सकते हो और कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी हैं जिसमें आप लाइव नहीं करते। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दोनों चीज़ों के बारे में, बने रहेगी वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप किस तरीके से इस जो पीवीआर का पासपोर्ट मेंबरशिप है उसको कैसे क्लेम करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर आप पासपोर्ट के पेज पर पहुँच जाएंगे जो कि पीवीआर आईनॉक्स का होगा। उसमें आपको 699 वाला ऑफर दिख रहा होगा, यानी कि 699 में आप 10 मूवी एक महीने के लिए एंजॉय कर सकते हैं। ये इसका ऑफर है। तो अगर आपको इसको परचेस करना तो आप यहाँ पर सीधा परचेस नाउ पे क्लिक करेंगे और आपका मोबाइल नंबर से फ़ोन नंबर से ओटीपी जाएगा। इसके बाद बेसिक डिटेल्स डाल के आप इसको क्लेम कर सकते हैं नॉर्मल, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये करने के बाद आप जब भी यहाँ पर मूवी परचेस करेंगे तो आपके नॉर्मल पेमेंट पेज पर पासपोर्ट को क्लेम करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि आपने परचेस तो कर लिया, बट इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। अगर आप उसमें जस्टिफाई करते हैं, आपको ठीक लगता है, टर्म्स एंड कंडीशन आपके लिए ठीक है, तो आप इसको परचेस कर लीजिए। कि यहाँ पर जो 10 मूवी की बात की गई है, जी हाँ, उसको 30 दिन की वैलिडिटी में रखा गया, यानी कि 10 मूवी जो आप देख सकते हैं वो 30 दिन की वैलिडिटी में देख सकते हैं। इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपकी कोई मूवी रह जाती है, यानी कि आपने एक महीने में सिर्फ 8 ही मूवी देखी, तो 2 मूवी आप अपने नेक्स्ट जो आप नेक्स्ट महीने का पेमेंट करेंगे उसमें आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट मेक श्योर करना कि आपका जो 30 दिन का ये पासपोर्ट का जो मेंबरशिप है वो खत्म होने से पहले आप उसको रिन्यू कर लें। यहाँ पर फ्राइडे सैटरडे संडे को यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया, यानी कि मंडे टू थर्सडे आप ही इसको क्लेम कर सकते हैं। ये यहाँ पर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 ही दिन आप उसको बुक कर सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। मान लीजिए आज डेट है 20 तारीख, तो आप 20 तारीख के लिए सिर्फ एक ही टिकट बुक कर सकते हैं। हाँ, 20 तारीख को आप चाहें तो 21, 22, 23, 24 अपकमिंग डेज की आप बुकिंग कर सकते हैं, बट एक दिन के लिए एक टाइम पर आप एक ही बुकिंग कर सकते हैं। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कन्वीनियंस फी, यानी कि जो टैक्स लगता है वो आपको पे करना होगा। एग्जाम्पल के लिए 250 का अगर आपका टिकट है तो यहाँ पर 25 के अप्रॉक्स आपका जो टैक्स लग जाता है तो वो आपको पे करना होगा। और हाँ, यहाँ पर एक लिमिट भी दिखी गई है कि आप जो टिकट है वो 350 तक ही कर सकते हैं, यानी कि टिकट का जो प्राइस होता है वो 350 या उससे कम का होना चाहिए। इन केस अगर 350 से अबव होता है तो जो बैलेंस अमाउंट रहता है, एग्जाम्पल के लिए आपका 400 का टिकट है तो आपको क्या करना होगा, 350 आपके पासपोर्ट से ऑफ हो जाएंगे, 50 प्लस टैक्स आपको पे करना होगा और इसके बाद आप मूवी बुक कर सकते हो। साथ में इसमें कुछ एक्सक्लूजन्स भी रखे गए हैं। जी हाँ, साउथ रीजन को यहाँ पर पूरी तरीके से एक्सक्लूड किया गया है और कुछ जो प्रीमियम पीवीआर आईनॉक्स सिनेमास होती हैं उनको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। इसको आप भी देख सकते हैं, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में FAQ का। बॉटम में जाएंगे स्क्रॉल करने तो आपको दिख जाएगा एक सेक्शन यहाँ पर लिखा होगा कि कौन कौन सी सिनेमास यहाँ पर एक्सक्लूड की गई हैं। तो आप चेक कर सकते हो कि जो प्रीमियम क्लास की सिनेमास होती है ना उसको यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। उनका जो प्राइस ऑलरेडी बहुत हाई होता है, उनको इस PVR का जो पासपोर्ट है इसमें नहीं रखा गया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये क्वेरी आती है कि यहाँ पर रिक्लाइनर्स के लिए वैलिड है या फिर नहीं है। जी नहीं, रिक्लाइनर्स के लिए किसी भी PVR आईनॉक्स सिनेमा में वैलिड नहीं होने वाला है। और फिर भी आपकी कोई क्वेरी जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाई इस ऑफर के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका एज सून एज पॉसिबल उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।